साहब मोहाली विच बंदी सिंघां दी रिहाई वास्ते बड़े अरसे तो मोर्चा लगा होया जी, और असी मैं कल्ला बंदी सिंह नहीं, चाहे कोई हिंदू आ, चाहे मुसलमान, चाहे कोई ईसाई, जिन्हां ने अपनियां कैदां पूरियां कर लिया जी, उन्हां नूं रिहा हो जाणा कर देना चाहिए जी। और जदों वह उन्हां दे नुमाइंदे आण के सरदार भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री नूं मिले चंद दिन पहला, तो इन्होंने कहा कि मैं क्योंकि बंदी सिंह पंजाब नाल कनैक्टेड हैगे ने लेकिन पंजाब दीआं जेलां विच नहीं हन सर, तो उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली की सरकार नाल अते कर्नाटका की सरकार नाल गल चकूंगा। इहदे च दो इंपोर्टेंट बंदी सिंह जिहड़े अपने अधिकार खेत्र विच आउंदे जी, एक प्रोफेसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर जिहड़ी 6 वार जिहड़ा सेंटेंस रिव्यू बोर्ड हैगा दिल्ली सरकार दा उहदी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर चुका स्पीकर साहब, वह तो अपने बिल्कुल आम आदमी पार्टी की सरकार है। केजरीवाल साहब तो भगवंत सिंह मान रोज़ इकट्ठे होंगे स्पीकर साहब, 7वीं एप्लीकेशन वो पेंडिंग हैगी काफ़ी महीनों की स्पीकर साहब। दूसरा हैगा स्पीकर साहब भाई गुरमीत सिंह इंजीनियर, वो 2 केसा इनवॉल्व सगा, एक कर्नाटका के केस में स्पीकर साहब रहिंदा वा, तो जिहड़ा उहदा दिल्ली वाला केस सगा उहदे विच उहनूं ऑलरेडी उस वक्त की शीला डिक्सिट सरकार ने 2011 च रिमिशन सज़ा पूरी हो गई जी, रिमिशन दे चुके ने। और जिहड़ा उहदा हुण वाला केस हैगा वा उहदे च रिपोर्ट अपनी डीसी, अपना डीसी जिहड़ा पटियाले दा स्पीकर साहब, वह देखो रिपोर्ट वो दे उल्ट दे रहे जी, सजावां पूरियां कर चुके ने। आपां अपनी सरकार दा डीसी 2022 दी 31 अक्तूबर नूं पटियाला दे डीसी ने वो खिलाफ़ रिपोर्ट हाईकोर्ट सुन रहा केस उहदा जी फॉर अर्ली रिलीज़, तो उत्थे जाके कहता जी ये आने ना माहौल खराब हो जाएगा। हाईकोर्ट ने फिर उन्होंने फटकार लाई कि तेरे कल्ले कहण ना माहौल नहीं खराब हो जाएगा, गिव अस सम एविडेंस के ये रिहा नाल माहौल खराब। जिहड़ा बंदा स्पीकर साहब 25 साल का कैद में आ और एक केस चो उन्होंने रिमिशन मिल चुकी है, वो आने का कि माहौल पंजाब दे विच खराब हो जाए। सो मेरी तुहानूं फरियाद है कि चीफ मिनिस्टर साहब जरिए, वैसे तो असूलन ये हाउस से यदा मता बनता वा, सारिया पार्टियां बंदी सिंघां दी, हिंदू कैदियों की, क्रिश्चियनज की, मुसलमान जिहड़े रिहा जिहड़े सजावां पूरियां कर चुके, वी मस्ट पास अ रेजोल्यूशन, सेंड इट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिस इज ग्रॉस इनजस्टिस विद दोज पीपल। थैंक यू।